केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही देश भर में रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए कम करके जनता को राहत दी हो, लेकिन इस निर्णय से एलपीजी वितरक नाराज हो गए हैं। सरकार के इस फैसले से हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीब 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको लेकर आंदोलन छेड़ा है और ऑयल कंपनियों से नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। इसके साथ ही सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अब ऑयल कंपनियों से नो परचेज का फैसला लिया है। जो गैस गोदामों में स्टॉक में है उसकी डिलीवरी की जाएगी। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया है कि राजस्थान में तीनों तेल कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL की 1400 से ज्यादा गैस एजेंसियां हैं। हर एजेंसी के पास गोदाम में करीब 700 से लेकर 1000 सिलेंडर का स्टॉक रहता है। नियम अनुसार ये स्टॉक रखना हमें जरूरी होता है, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी आती है और ऑयल कंपनियों से सप्लाई प्रभावित होती है तो हमें स्टॉक से आपूर्ति करनी होती है ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। कीमतें कम होने से अब गोदामों में पड़ा स्टॉक जो पुरानी रेट्स पर था उससे सीधा नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुआ है। तो फिर ये कंपनियां भी जो हैं, हमें हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा था उसकी राहत की मांग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग निवेदन कर रहे हैं और सभी हमारे फेडरेशन की तरफ से भी हमने लिखित में दिया है और साथ में सारे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपनी अपनी ओर से लिखित में कंपनियों को चिट्ठियां भेज रहे हैं कि उन्हें भी जो स्टॉक पड़ा था उसके 200 रुपए का कंपेंसेशन दिलवाया जाए, प्राइस प्रोटेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं वो दिलवाया जाए। मोदी सरकार ने राजस्थान नहीं पूरे देश में एलपीजी उपभोक्ताओं को रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा दिया। वो तोहफा है कि 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता किया है, यानी कि 200 रुपए के जो दाम है एलपीजी के घटाए गए हैं। यानी कि कल रक्षाबंधन का दिन था तो ऐसे में एलपीजी वितरकों का अवकाश था, तो आज से सप्लाई है वो शुरू हो गई है और नई जो पर्ची जो उपभोक्ता के पास जा रही है वो अब 906 रुपए में जा रही है। देखिए वो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि अब तक जो सिलेंडर 1106 रुपए में मिलता था वो अब 906 रुपए में मिलने लगा है। आज से जो सप्लाई हो रही है वो 906 रुपए में सप्लाई की जा रही है और जिन उपभोक्ताओं ने पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बुकिंग करा दी थी उनको 200 रुपए रिटर्न भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि देखिए किसी ने ऑनलाइन पेमेंट इससे पहले कर दिया है लेकिन आज उनके यहाँ सप्लाई हो रही है तो 1106 रुपए और 200 रुपए अब उनको लौटाए जाएंगे सप्लाई होने के साथ में। यानी कि अब राजस्थान में करीब 1.2 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको आज से कह सकते हैं 906 रुपये 50 पैसे में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। यानी कि 200 रुपये की एक राहत किचन में किचन के बजट को मिली है। आप कितने रुपये में सिलेंडर दे रहे हो? 906 रुपये 50 पैसे का। 906 में 906। और जो पुरानी बुकिंग थी उनका क्या कर रहे हो? वो जो एडवांस बुकिंग होगी तो उसको 200 रुपये रिटर्न किया जाएगा। 200 रुपये रिटर्न 200 रिटर्न किया जाएगा। अच्छा अच्छा, कितने दिन की पुरानी बुकिंग? ये तो 2 दिन की है। 2 दिन हाँ, रक्षाबंधन छुट्टी इस वजह से ना तो पेंडिंग नहीं चलती हमारे। तो आज से ही 906 रुपये में आज से 906 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं हम। देखिए ये 906 रुपये में सिलेंडर आज से दिया जा रहा है, लेकिन इसका यदि हम दूसरा एस्पेक्ट देखें कि इस मोदी सरकार के इस फैसले से जो राजस्थान के करीब 1400 से ज़्यादा वितरक हैं, गैस वितरक हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि एक गैस एजेंसी के गोदाम में करीब 800 से 1000 सिलेंडर स्टॉक में रहते हैं, तो यानी 200 रुपए घटाने से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का एक गैस एजेंसी वितरक को नुकसान हुआ है। अब वो आंदोलन की राह पे है। उन्होंने केंद्र सरकार से डिमांड की है कि वो अब ऑयल कंपनियों से सिलेंडर की सप्लाई नहीं लेंगे, यानी कि परचेज नहीं करेंगे जब तक उनकी इस भरपाई नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा है आगे का फैसला लिया जाएगा और यदि आंदोलन पे उतरना पड़े या हड़ताल करनी पड़े तो वो भी करनी पड़ेगी। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश में सावन महीने